हरकत कहते हैं सबर जेर पेश को हरकत कहा जाता है। जबर जेर और पेश को हरकत कहा जाता है और इसकी वाहिद है हरकत, यानी किसी एक हरकत को हरकत कहेंगे। जैसे सिर्फ जेर है तो हरकत कहेंगे, तीनों मिलाकर अगर कहना है तो उसे हरकत कहेंगे। तो जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं और जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। जबर की आवाज ऊपर को उठती है, आवाज और मुंह दोनों खुले होते हैं। देखिए, क्या पढ़े अभी हम, के जबर जेर और पेश, इनको क्या कहते हैं? हरकत। अगर किसी एक चीज को कह रहे हैं, जैसे सिर्फ जबर को, तो हरकत। और जब ये किसी भी हर्फ पर, कोई भी हर्फ पर आते हैं, किसी हर्फ के साथ उसे मिलाकर पढ़ना होता है, तो उस वक्त तो उसे जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। जैसे हमजा जबर अ, बा जबर ब, त जबर त। जैसे एक हिंट दूं मैं आपको, के एक डॉट अगर हम पढ़ रहे हैं तो उस वक्त एक डॉट डाल के फिर ऊपर उठाया था, खाद कितनी देर लगती है, उतनी जल्दी पढ़ लेना चाहिए। हमजा जबर अ, बा जबर ब, त जबर त, स जबर स, जीम जबर ज, है जबर है, इस तरह। और इसके अलावा इन तीनों को, इन तीनों के अलग नाम है। जैसे फतह, जबर को अरबी में फतहा भी कहेंगे, जेर को कसरा कहेंगे और पेश को दम्मा कहेंगे। जबर को फतहा, जेर को कसरा और पेश को दम्मा। जबर वाला हर्फ है, जैसे बापे जबर है, आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ जबर को कुछ कहना है आपको, तो इसको आप फतहा कहेंगे। और जबर वाला हर्फ पूरे बा को अगर आपको कहना है तो आप इसे मफ्तूह कहेंगे, यानी जबर वाला हर्फ, जबर वाले हर्फ को मफ्तू कहेंगे। सिर्फ जबर की तरफ आपका इशारा है तो उसे फतह कहेंगे। इसके अलावा जेर है किसी भी हर्फ पे, जैसे जीम है, जीम के नीचे जेर है, तो सिर्फ जेर को आप इशारा करके कह रहे हैं तो उसे कसरा कहेंगे। लेकिन पूरा हर्फ मिलाकर आपको कुछ कहना है तो उसे मकसूर कहेंगे। मकसूर यानी जेर वाला हर्फ मकसूर कहलाता है। इसके अलावा पेश है, पेश है तो सिर्फ पेश को कुछ कहना है तो दम्मा होगा, पेश वाला हर्फ मदमूम कहलाएगा, पेश वाला हर्फ मदमूम कहलाएगा। इसी तरह अगर किसी हर्फ पर ये तीनों हरकतें हैं, जैसे कुतीबा, इस पर ये तीनों हरकतें हैं, अगर आपको ये तीनों हरकतें मिलाकर इसको कुछ नाम देना है तो आप इस वर्ड को मुतहर्रिक कहेंगे, यानी हरकतों वाला हर्फ। तीनों हरकतें ना, इसीलिए तीनों को मिलाकर इसे वो नाम देंगे जो इसका असली नाम, यानी हरकात। हरकात से हरकात वाला हर्फ, सिर्फ जबर जेर पेश को आप हरकात कहेंगे, लेकिन हरकात वाला हर्फ मुतहर्रिक कहलाए। तो जबर जेर पेश है तीनों पे तो इसलिए इसको मुतहर्रिक कहेंगे, यानी जबर जेर पेश वाला हर्फ, जबर जेर पेश वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहा जाता है। सिर्फ एक को, किसी एक को बताकर आपको कुछ कहना है तो आप उसको मदमूम कहेंगे। जैसे पेश है पहला वर्ड काफ पेशकू, तो इसको मदमूम कहेंगे। लेकिन पूरा मिलाकर कहना है आपको
तो उसको मुतहर्रिक कहेंगे। एक एक अलग अलग कहना है तो मदमूम, मकसूर और मफतूह कहेंगे। इस तरह जबर जेर पेश वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। और इसी तरह जिस हर्फ पर सुकून हो यानी जज़्म हो, जीम पे जज़्म है तो इसको सुकून कहेंगे, लेकिन जज़्म वाला पूरा हर्फ साकिन कहलाता है। जज़्म वाला हर्फ साकिन कहलाता है, सिर्फ जीम पे जज़्म है तो वो सुकून है। सिर्फ जज़्म को सुकून, सिर्फ जज़्म यानी सुकून है, और जज़्म वाला हर्फ जीम पे अगर जज़्म है तो ये साकिन कहलाता है। एक और चीज जो इस सबक में बतानी है वो ये है कि मजहूल और मारूफ, जैसे कवायद में ऊपर कायदा दिया जाएगा, जेर का कायदा होगा, उसमें दिया जाएगा कि जेर को मारूफ आवाज से पढ़ा जाए और मजहूल आवाज से बचा जाए। मारूफ आवाज क्या होती है, मजहूल आवाज क्या होती है, ये हम जानेंगे कि मजहूल आवाज यानी पढ़ने का गलत तरीका जो हो सकता है अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल ना हो, मारूफ आवाज वो तरीका पढ़ने का जो सही हो और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ सही तरीका है। जैसे अगर अब आपको पढ़ना है, जैसे अभी मखारिज तमाम हो चुके हैं तो त त और त्वा में फर्क है, ठीक है। त को पढ़ना है तो हम त पढ़ते हैं, लेकिन त्वा को पढ़ना है तो थोड़ा सा मोटा पढ़ते हैं, क्योंकि त्वा हुरूफ मुस्तालिया में से है, ता बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ में से है। तो जब इस पर जबर हो तो आप कैसे पढ़ेंगे, त जबर त, और इस पर अगर जबर हो या फतहा भी कह सकते हैं, इस पर जबर हो या फतहा हो तो कैसे पढ़ेंगे, त्वा जबर त्वा। दोनों में आवाजों में, जैसे तमाम आवाजों में फर्क होना चाहिए, कोई भी हर्फ मिलता जुलता नहीं है। हाँ कुछ हर्फों के मखारिज सेम है लेकिन आवाजें सबकी अलग है। जैसे हर हर्फ, जैसे हरूफ हिजा के तमाम हरूफों की आवाज जब उसके साथ हरकात को मिला लिया जाता है यानी जबर जेर पेश को मिला लिया जाता है, उसके साथ अदा किया जाता है, तो उन लोगों की तमाम की आवाज अलग आनी चाहिए, किसी की आवाज सिमिलर और सेम नहीं हो सकती। जैसे सीन जबर स पढ़ेंगे, स जबर स पढ़ेंगे, सीन जबर स जबर स, और इसमें स्वाद भी आता है तो स्वाद जबर स्व, तीनों की आवाजें अलग अलग। यानी एक अगर आपका रेसिटेशन या कुरान पढ़ता हुआ या फिर हरकात का ही लेसन सुनाते हुए कोई सुने तो सामने वाले को, सुनने वाले को ये बात अच्छी तरह मालूम हो जानी चाहिए कि ये वो हर्फ है जो ये अदा कर रहे हैं। जैसे स्वाद अगर आप पढ़ रहे हैं तो स्वा इस तरह आवाज आनी चाहिए, इसमें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि ये स पढ़ रहे हैं या फिर सीन पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन में कोई रहना नहीं चाहिए कि इन्हों सीन पढ़ रहे हैं या फिर स्वाद पढ़ रहे या स पढ़ रहे। तो तीनों की आवाज एकदम अलग होनी चाहिए, तीनों की आवाज अलग होनी चाहिए और तीनों का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि ये हर्फ है, ये अलग अलग हर्फ है, इस तरह। और इसके अलावा मजहूल आवाज किसे कहते हैं, जैसे हम अक्सर कलीमे की बात ले लें, अव्वल कलीमा जब हम पढ़ते हैं कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जब क्या करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब तक भी हम मोहम्मद रसूलुल्लाह ही पढ़ते हैं, अब तक भी मोहम्मद मो। अब देखिए मीम पेश क्या होना चाहिए, मीम पेश मु, हम पढ़ते क्या है मो, कैसे ये मोहम्मद, ये मजहूल तरीका, असल वो है क्या मोहम्मद, मु मीम पेश मु पढ़े हम, जब हम हरकात का लसन पढ़े पेश के साथ दोम्मा के साथ पढ़े तो जब हम क्या पढ़े मीम पेश मुंह पढ़े, लेकिन जब हम कुरान में कुछ पढ़ने लगते हैं तो मीम पे पेश अगर आता है तो हम उसे मुंह ही पढ़ते हैं, अक्सर अक्सर वो पेश मुंह ही पढ़ते हैं। जैसे मीनी ना है
मुमिनीन, इस तरह। तो ये पढ़ने का मशहूर तरीका है, और ज़ेर में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अब ज़ेर ज़े ज़ी है, ज़े पढ़ लेते हैं। ये गलती कहाँ से होती है पता है? जब हम ये जो हरूफ हिजा है इसको हम अरबी में नहीं पढ़ते बल्कि उर्दू में पढ़ना जब शुरू कर देते हैं तब जाकर ये मजहूल आवाज की गलतियां हमसे हो जाती हैं। जैसे अगर आप ज़ैल पढ़ रहे हैं, ज़ पढ़ रहे हैं तो उर्दू में ज़ को ज़े कहते हैं, ज़े 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 ऐसा पढ़ लेते हैं इस तरह। यानी उर्दू में अगर आप बाज़े बे, तो बाज़ेर को अगर बाज़ेर ही पढ़े, जैसे बा मखरज अरबी का है, अरबी वर्ड बा पढ़ेंगे हम, लेकिन उसको अगर आप उर्दू में पढ़ रहे हैं जैसे बे बेज़ेर बी, लेकिन वो लोग क्या पढ़ते हैं उर्दू में पढ़ने वाले, बेज़ेर बे, इस तरह। तो इसीलिए उर्दू के हरूफ उर्दू में पढ़े, अरबी के हरूफ अरबी में पढ़े, ये गलती ना करें। और हमेशा हरकात को मजहूल आवाज से बड़ा बचा कर पढ़ना चाहिए, मारूफ आवाज में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आवाज हो सकता है अल्लाह के यहाँ काबिले कबूल ना। अल्लाह ताला हम तमाम को दीन की सही समझ अता करे और कुरान को सही मानों में उसके खौफ के साथ पढ़ने वाला बनाए। आमीन या रब। और इसके साथ साथ एक और चीज इस लेसन में जो बतानी है वो ये है कि अलीफ हमेशा खाली होता है, जो अलीफ खाली ना हो वो हमजा है। यानी अलीफ खाली रहा तो ही अलीफ, अलीफ के ऊपर जबर जेर पेश जजम कुछ भी अगर आ गया तो वो हमजा बन जाता है। अभी देखेंगे, पढ़ेंगे हमजा जबर अ, ब जबर ब, त जबर त, स जबर स, जीम जबर ज, ह जबर ह, ख जबर ख, द जबर द, र जबर र, र जबर र, ज जबर ज, सीन जबर स, शीन जबर श, स्वाद जबर स्व, द जबर द, त्वा जबर त्व, व जबर व, ऐन जबर अ, ग़ीन जबर ग़, फ जबर फ, क़ाफ़ जबर क़, कैफ़ जबर क, लाम जबर ल, मीम जबर म, नून जबर न, वाव जबर व, हा जबर ह, हमजा जबर अ, या जबर या जबर य। सबकी आवाजें अलग होनी चाहिए, किसी की आवाज मिलती जुलती नहीं जब हरकात के साथ पढ़ेंगे। दल जबर द, र जबर र, दवा, सीन जबर स, दरस। अगर आप पढ़ना चाहें तो ऐसा भी पढ़ सकते हैं, दाल फतह द, र फतह र, दर, सीन फतह स, दरस, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। वाउ जबर व, दाल जबर द, वद, ऐन जबर अ, वदअ। तमाम मखारिज का ख्याल रखते हुए पढ़ना है, क्योंकि मखरज का असल मकसद हमारा मखरज सीखने का यही है कि हम हर जगह उसको अदा करें, हर जगह जहां भी वो हर्फ आए जिसका मखरज हमने सीखा है तो वो मखरज वहां निकालना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि मखारिज के बगैर तजवीद का कोई माना ही नहीं है। तजवीद का असल मखरज है। ऐन जबर अ, ब जबर ब, अब, दल जबर द, अबद, त जबर क,
सीन जबर स कस ब जबर ब कसब दल जबर द ख जबर ख द ख लम जबर ल द ख ल ब जबर ब लम जबर ल बल वाइन जबर व बल व वाउ जबर व जीम जबर ज वज दल जबर द वजद सीन जबर स जीम जबर ज सज दल जबर द सजद। और इसमें अक्सर लोग ये गलती भी करते हैं कि जब हरकात को पढ़ते हैं आगे का हर्फ जब तक हमें पढ़ना ना आ जाए पीछे का हर्फ को खींचते रहते हैं। जैसे मिसाल दूं मैं आपको, सीन तबस्स है, अब आगे का हर्फ पढ़ना नहीं आ रहा है, अब रवा पढ़ रहे, सजदा है लेकिन आगे का हर्फ अभी हमको जीम का हिज्जा नहीं आ रहा दिमाग में, तो हम क्या करते हैं सीन को खींचने लग जाते हैं सजदा इस तरह। या फिर दाल का नहीं आ रहा है हिज्जा करना तो क्या करते हैं सजदा, या फिर आखिर में खींच देते हैं नेक्स्ट वर्ड पढ़ने के लिए सजदा इस तरह, कहीं ना कहीं हम खींच लेते हैं, इस तरह करते हैं हरकात को खींच लेते हैं। तो हरकात किसी हाल नहीं खींचा जाएगा, जब भी पढ़ेंगे हरकात को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे, अगर खींचेंगे तो वो हरूफ मद्दा बन जाएगा और वो लहन कहलाता है। कुरान को तजवीद के साथ ना पढ़ना वो लहन कहलाता है। लहन की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे हरकतों में तब्दीली करना, अगर हरकात है तो उसे हरूफ मद्दा बना देना, या फिर हरूफ मद्दा है तो उसे हरकात बना देना, लम यलीद है तो यलीद लीद लिद है सिर्फ लीद लाम या ज़ेर लीद बना देना, इस तरह हरकतों में तब्दीली भी नहीं करना चाहिए। ये भी लहन की किस्म है, बहुत सारी किस्म है, उसमें से एक किस्म लहन की ये भी। अब है ज़ेर, ज़ेर को भी मारूफ पढ़ा जाए मजहूल आवाज से बचा जाए, ज़ेर की आवाज नीचे को जाती है, नीचे को जाती है, ज़ेर हम पढ़ेंगे तो आवाज नीचे की तरफ होती है, हमज़ा ज़ेर इ ब